हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आज के इस नए वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आ गया हूं मैं एक नया वीडियो लेकर एंड ये वीडियो काफी कमाल की है। एंड इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ कि आप लोग पीवीसी की मदद से आप लोग कैसे रूम डेकोरेशन लाइट बना सकते हो। जी हाँ फ्रेंड्स, अभी आप लोग देख सकते हो मेरे हाथ में ये पीवीसी पाइप, आप लोग देख सकते हो, आप लोग के घर में भी यूज होता होगा ये पीवीसी पाइप। तो इस पीवीसी पाइप से मैं आपको बना के दिखाने वाला हूँ एक रूम डेकोरेशन लाइट। जी हाँ फ्रेंड्स, वो एक डीसी चार्जर से जो मोबाइल का चार्जर होता है उसका पिन अटैच करते हुए जलने लगेगा एंड काफी कमाल का दिखने वाला है। आप लोग के घर में और आप लोग जब सजाओगे उसको, डेकोरेट करोगे उससे अपना रूम, तो बहुत ही प्रोफेशनल लगेगा। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं रूम डेकोरेशन लाइट बनाना एंड आप लोग को दिखाते हैं। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ पे मेजर कर लेते हैं कि कितना हम लोग को साइज लेना है। तो आप लोगों को क्या करना है, 6.5 सेंटीमीटर 6.5 सेंटीमीटर आप लोगों को क्या करना है, यहाँ से नाप लेना है। नापने के बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ से आप लोगों को कट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं एक निशान लगा लेता हूँ, आप लोग देख सकते हो, एंड इसी के गोलाई में आप लोगों को पूरा ये पीवीसी इतना काट के निकाल देना। तो चलिए सबसे पहले कटिंग कर लेते हैं। A few moments later. तो दोस्तों अभी आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मैंने इसका एक 6.5 सेंटीमीटर का साइज यहाँ पे कट कर लिया। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मैं इसको आपको इसका जो बीच का डायमीटर है इसको मैं आपको मेजर करके बता देता हूँ कितना है। ये है 5 सेंटीमीटर का ये पीवीसी पाइप है, आप लोग को मैं एकदम मेजर कर लेता हूँ। 5 सेंटीमीटर का इसका डायमीटर है एंड इसका साइज मैंने रखा है 6.5 सेंटीमीटर। तो आप लोग को इतना साइज रख लेना है एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो चुका है साइज कट, क्योंकि कटिंग के दौरान हो जाता है। तो आप लोग को सैंड पेपर पे ऐसे क्या करना है, आपको रगड़ के इसको बराबर कर लेना है। तो दोस्तों अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसको सैंड पेपर से रगड़ लिया है एंड पूरा क्लीन हो चुका है अच्छे से। अब इसको क्या करना है, आप लोग को बीच में से कटिंग कर लेना है, आप लोग कुछ इस तरीके से इसको फाड़ लेना है एंड आपको क्या करना है, गैस पे ले जाके कुछ इस तरीके से थोड़ा सा इसको पिघलाने टाइप का करना है। मतलब इसको थोड़ा सा आंच देना है गैस का, इसका शेप आपको थोड़ा सा पिघला कर आपको फ्लैट कर लेना है, क्योंकि इसको ऐसे फैला कर रख के आपको कुछ भारी चीज रख देना है ताकि हो जाए। तो चलिए करके दिखाते हैं। तो दोस्तों अभी आप लोग देख सकते हैं मैंने कर लिया एंड इसको अब क्या करना है, गैस पे थोड़ा सा पिघला कर आपको फ्लैट कर लेना है। सो गाइस, आप सब देख सकते हैं मेरे भैया बहुत अच्छे से कर चुके हैं इसको फ्लैट, आप सब भी ऐसे ही कर लीजिएगा। और फ्लैट होने के बाद आगे भैया बताएंगे। तो भाई लोग आप देख सकते हैं ऐसे फ्लैट हो चुका है। तो दोस्तों अभी आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पे फ्लैट कर लिया है एंड चलिए फटाफट से यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग इसको लाइनिंग करके सीधा कर लेते हैं, क्योंकि साइड का थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हैं टेढ़ा टेढ़ा निकला हुआ है, तो हम लोग को ये हटाना है। तो हटाने के लिए हम लोग सबसे पहले इसको थोड़ा सा यहाँ से लाइनिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों अभी आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मैंने फ्लैट कर लिया पूरा पीवीसी को, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने दो ऊपर और नीचे का पार्ट बना लिया है ऐसे एंड ऐसे एंड ये साइड वाला पार्ट हो गया हमारा। अब कुछ इस तरीके से इसको हम लोग यहाँ पर ऐसे चिपकाने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले मेजर करके इसके चारों साइड को हम लोग पार्ट को काट लेते हैं, कट कर लेते हैं। तो दोस्तों अभी आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मैंने बना लिया सारा एंड यहाँ पर मैंने चार होल कर लिया एंड आप लोग को लेना है 4 LED बल्ब जो कि 7 कलर का जलता है, अपने आप चेंजिंग बल्ब होता है। तो ये वाली बल्ब आपको ले लेनी है मार्केट में, आपको ये 3 रुपए का एक अवेलेबल हो जाएगा एंड आप लोग को क्या करना है कि इसके अंदर आप लोग को 4 डाल देना है। तो दोस्तों अभी आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मैंने 4 LED लगा लिया है एंड पीछे के साइड कुछ इस तरीके का इसका पिन निकल के आ चुका है। तो हम लोग प्लस वाले को प्लस में एंड माइनस वाले को माइनस में जोड़ देंगे एंड उसके बाद से आप लोग को क्या करना है, इसको आप लोग को कनेक्शन कर लेना है। कनेक्शन करने के बाद क्या करना है, आप लोगों को कोई सा भी एक ये प्लेट उठा लेना है एंड उठाने के बाद इसमें आप लोगों को एक होल कर देना है। तो दोस्तों अभी आप लोग देख सकते हो हमने यहाँ पर ये लगा लिया है पिन कनेक्टर वाला, जिससे कि चार्जर हम लोग इसमें इंसर्ट करेंगे तो हमारा ये डेकोरेशन लाइट जलने लगेगा। तो चलिए सबसे पहले इसका कनेक्शन कर लेते हैं। सो दोस्तों अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने सारा इसका पार्ट रेडी कर लिया। आप लोग देख सकते हो ये चारों साइड हमारा, ये चारों पार्ट हमारा साइड का है एंड ये ऊपर नीचे का है। तो अभी आप लोग देख सकते हो मैंने एक साइड के अंदर कनेक्टर लगा लिया है, जिससे कि ये लाइट हमारा ब्लिंक करेगा, मतलब जलेगा। तो चलिए फटाफट से पहले इसको फेविक्विक से हम लोग चिपका लेते हैं। आप लोग को लेना है फेविक्विक ऐसा एंड उसके बाद से एक एक पार्ट को इसको आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे सेट करते जाना है। तो चलिए सेट करते हैं। तो दोस्तों अभी आप लोग देख सकते हो मैंने इसको एक बॉक्स टाइप का बना लिया है यहाँ पर, आप लोग देख सकते हो। अब क्या करना है, जो ये लाइट है इसका जो यहाँ पर दो कनेक्शन है, यहाँ से वायर निकाल लेना है आप लोग को कनेक्ट करके एंड दोनों वायर लिया के इस कनेक्टर के दोनों वायर में नेगेटिव और पॉजिटिव में आप लोग को अटैच कर देना है, ताकि हम लोग जब इसमें पिन इंसर्ट करें माइक्रो यूएसबी तो हमारा ये लाइट जलने लगे। तो चलिए फटाफट से इसका कनेक्शन इसके अंदर हम लोग कर लेते हैं।
तो दोस्तों अब आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों को जो सर्कल बनाया गया है इस ग्लास को लेना है। आप लोगों को कोई सा भी मार्केट से एक 20-25 रुपए का शीशा का ग्लास खरीद लेना है। देख सकते हो आप लोग, मैंने एक मॉल से ग्लास लेकर आया हूँ, ये 19 रुपए का मुझे पड़ा है। एंड यहाँ पर जो सर्कल आप लोग को बना एकदम सेंटर में, आप लोग कुछ इस तरीके से इसको रख लेना है। एंड इस लाइनिंग पे आप लोग को क्या करना है, इस लाइनिंग पे आप लोग को फेविक्विक लगा लेना है। इस लाइनिंग पे फेविक्विक लगाने के बाद आप लोग को ग्लास को इसी पे चिपका देना है। तो गाइस देख सकते हो एकदम मस्त सा हमारा यहाँ पे रूम डेकोरेशन लाइट बन के तैयार हो चुका है। आप लोग देख सकते हो इस साइड कनेक्टर लगा हुआ है, इसके अंदर हमारा लाइट लगा हुआ है। एंड अब इसके अंदर कुछ नहीं है, एकदम हल्का है, ये सिर्फ ग्लास का वजन है। देख सकते हो आप लोग, टूटने उठने वाला भी नहीं है, ये एकदम मस्त हिलाने पे आप लोग देख सकते हो हिल रहा है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो इसके अंदर मैं जैसे ही चार्जर को इंसर्ट कर रहा हूँ, ये एकदम मस्त हमारा जलने लग रहा है। आप लोग देख सकते हो एंड काफी मस्त लग रहा है, काफी कमाल का लग रहा है। आप लोग देख सकते हो कितना ज्यादा ये ब्राइटनेस कर रहा है। मैं सारा लाइट आप लोगों को ऑफ करके दिखाता हूँ। तो गाइज आप लोग देख सकते हो कितना मस्त ये जल रहा है हमारा, 7 कलर का इसके अंदर लाइट है। एंड आप लोग देख सकते हो ये डीजे के जैसे एकदम जल रहा है, पहले स्लो एंड बाद में फास्ट जल रहा है। अभी आप लोग देख सकते हो स्लो जलने लगा एंड अभी कुछ देर बाद ये फास्ट जलने लगेगा। तो अगर आप लोग को रूम डेकोरेशन लाइट बनाना है अपने घर में, घर के लिए, तो आप लोग इस तरीके से देखकर आप लोग रूम डेकोरेशन लाइट बना सकते हो। एंड ये लाइट आप लोग को कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, मेरे मेहनत के लिए एक लाइक जरूर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि और भी लोग देख पाए एंड हमारा वीडियो पे अच्छा खासा रेस्पॉन्स मिल सके। एंड दोस्तों आप लोग को नेक्स्ट टॉपिक पे कौन सा वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, उस टॉपिक पे वीडियो आप लोग को 100% गारंटी है कि आप लोग को वीडियो मिलेगा। तो चलिए गाइस चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तो फिर बाय बाय, टेक केयर।